फ्रेंड्स, वेलकम टू पारोस किचन। आज हम फिरनी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, एक छोटी कटोरी चावल जिसको आधा घंटा भिगो के रखा है, 150 ग्राम के करीब हमने चीनी ली है, 8-10 बादाम जिसको बारीक काटा है, 8-10 ही पिस्ता जिसको बारीक काटा है, और एक छोटी चम्मच छोटी इलायची जिसको पीसा है। सबसे पहले हम 1.5 लीटर दूध को उबलना रखेंगे, और हमारे पास जो चावल है इसको हम बारीक पीसेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि चावल पीसने में थोड़ा मुश्किल होगा। और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा चावल पिस गया है, देखिए बिल्कुल पेस्ट बन गया है इसका। इधर अब हमारा दूध में भी उबाल आ गया है। हम ये चावल की पेस्ट को धीरे धीरे डालेंगे इसमें, और साथ साथ हिलाते रहेंगे। चमचे को बराबर चलाते रहना है, रोकना नहीं है, क्योंकि इससे दूध नीचे चिपक सकता है, जल सकता है। हम अपनी गैस को थोड़ा सिम कर देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। बीच में गैस को सिम करते रहेंगे, और इसको कम से कम हमें 15-20 मिनट इसी तरह पकाना है। पंद्रह बीस मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारी फिरनी काफी गाढ़ी हो गई है, ये लगभग बन गई है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे अभी 5-7 मिनट और पकाएंगे। बराबर से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। हमारी फिरनी बन गई है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, आधा बादाम डालेंगे, आधा हम गार्निश के लिए रखेंगे, और ऐसे ही हम आधा पिस्ता डालेंगे, और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रखेंगे, और गैस को हम बंद कर देंगे। हमारी फिरनी बन गई है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको ठंडा होने के बाद हम इसे कम से कम 1-1.5, जब भी ठंडा हो जाए तो हम इसे 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद बाहर निकाल के हम इसे गार्निश करेंगे। इसको चिल्ड करके खाने में बहुत मजा आएगा। फिरनी बिल्कुल चिल्ड हो गई है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। और सर्व करेंगे। फिरनी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी फिरनी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे लाइक के बटन जरूर दबाइए।